नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गीडा के स्थापना दिवस पर समारोह व 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन बृहस्पतिवार को दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने निजी क्षेत्र की 800 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण और 500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए आवंटित नए भूखंडों का आवंटन पत्र सौंपा। 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गीडा से धुरिया पार तक औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। पहले यूपी निवेशक आने से घबराते थे, अब वे बेखौफ आते हैं। गोरखपुर के गीडा में उद्योग लगाने से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। गीडा की स्थापना 34 वर्ष पहले 30 नवंबर सन 1989 को हुई थी। वर्तमान में 33 सेक्टर में विकसित गीडा क्षेत्र 600 से अधिक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गोरखपुर को 2.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 550 करोड़ रुपए के निवेश वाले अंकुर उद्योग को सरिया प्लांट का उद्घाटन, 118 करोड़ रुपए के निवेश वाली ज्ञान डेयरी की यूनिट, तत्वा प्लास्टिक की 110 करोड़ रुपए की निवेश वाली पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन हो चुका है। इसके अलावा 1100 करोड़ रुपए से बन रहे पेप्सिको कंपनी और 1200 करोड़ रुपए वाली क्यान डिस्टिलरी के इथेनॉल व डिस्टिलरी प्लांट का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री कर चुके हैं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, संजना सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। हमारे मंच पे बैठल बाड़न हमनी के पूज्य महाराज जी, ऐसन शंभु बाड़न गुरु गोरक्षनाथ के सेवक और उत्तर प्रदेश के एक एक जनता, एक एक परिवार, एक एक माई बच्चा खातिर निरंतर चिंतन करे वाले हमारे पूज्य महाराज जी, ऐसन महाराज जी, ऐसन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चरणों में हम वंदन अभिनंदन करते हैं। गीडा की पावन धरती पर जहां आज करोड़ों करोड़ों का निवेश हो रहा है, जोरदार ताली के साथ हमारे पूज्य महाराज जी का स्वागत होके के चाहिए। भैया हो, बहुत कम लोग होते हैं जो निरंतर सोचते रहते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, वैसे ही हमारे पूज्य महाराज जी, कैसे भला हो जनमानस का, उद्योग का, उद्योगपति का रोजगार मिली, मजदूरी लोगन के मजदूर मिली, काम मिली, बाल बच्चा का परिवार चली। गीडा कभी सोची, यहां पर पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी यहां पर कब्रिस्तान बनाने जा रहे थे, आज क्या बन गया गीडा? धन्यवाद महाराज जी कि कब्रिस्तान बनने से बचाए आप। इस ऐतिहासिक धरती को लोग कब्रिस्तान बनाने जा रहा था 2017 के पहले। जितने भी बिजनेसमैन लोग यहां आए हैं, आप लोगों को भी शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन यही सत्य है, यही प्लानिंग थी पिछली सरकार की। राकेश सचान जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश शासन, श्री जसवंत सैनी जी, माननीय राज्य मंत्री औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश शासन, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय महापौर नगर निगम गोरखपुर, श्री प्रदीप शुक्ला जी जो यहाँ के एक लोकप्रिय विधायक बन चुके हैं और बहुत मेहनत निरंतर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक हैंड इज बीन मेड योर जीन्स, टी शर्ट, वॉटर, एक्वाफिना, पेप्सिको, मैं नाम गिनाते गिनाते ज्ञान दूध डेयरी तो पिछले मैंने शुरू किया, उनका कामों चालू हो गई और उनको धन्यवाद कि बहुत लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं जो हमकी खबर मिला। तो ऐसी अनगिनत गीडा इंडस्ट्री में आज के इस 34वें स्थापना दिवस पर, जहां भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी की सोच डबल इंजन सरकार की, कि कैसे मेरा प्रदेश, कैसे पूर्वांचल आगे आए, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया आगे आए, कैसे उद्योगपति को एक सुरक्षा मिले, व्यवस्था मिले, उद्योगपति सब्सिडी दे गेटिंग, लैंड पर सब्सिडी मिल रही है। पर महाराज जी ने स्वयं सब बैंक वालों से मीटिंग की और उनको कहा कि इमीडिएटली लोन की कोई फैसिलिटी है गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में, तो सारी बैंकिंग और काफी बैंक यहां पर भी हैं, दे आर रेडी विद अ लो इंटरेस्ट रेट।
सुरक्षा व्यवस्था, इंडस्ट्रियल हब, कनेक्टिविटी ऑफ एयरक्राफ्ट, कनेक्टिविटी ऑफ रेलवे स्टेशन, कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, तब जाके इंडस्ट्रियल हब ये बन रहा है नोएडा के तर्ज पर। आज किसी को शक नहीं हो रहा है कि दूसरा नोएडा, जहां मैं जा रहा हूं, अरे बीड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, मुंबई के मेरे मित्र हैं या दिल्ली के मेरे मित्र हैं या इंडस्ट्रियल हैं, अरे गीडा में वी वांट टू पुट अ फैक्ट्री, वी वांट टू इन्वेस्ट मनी, वी वांट टू गो, बिकॉज महाराज जी इज गिविंग ऑल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ अस, गवर्नमेंट इज गिविंग गुड मनी ऑल्सो, गवर्नमेंट इज टेकिंग इंटायर प्रोटेक्शन कि यू गो अहेड, कम टू गीडा, कम टू गोरखपुर, मेक दिस ईस्टर्न यूपी अ बिग हब फॉर इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये जब होला तो भैया हो बड़ा अच्छा लगेला, ये जब कब होला भैया हो, जब दूगो निस्वार्थ संत, एगो मोदी जी और एगो पूज्य योगी महाराज, तब आपको ये सपना दिखता है पूरा होता हुआ। आज गर्व कर रहा है सहजनवा अपने आप पर कि उसके पास सड़क है, बिजली है, पानी है, व्यवस्था है, हर घर नल से जल है, हर तरीके की सुरक्षा है और इतना बड़ा हब है, आईआईटीएम्स का हब है। आज बहुत सारे आईआईटीएम्स के बच्चे देवर शोइंग कि कैसे एक ब्लाइंड मैन चले गए स्टिक के साथ, तो सेंसर के साथ यहां के बच्चे बना रहे हैं। आज सहजनवा के बच्चे टॉपर्स हैं, न्यूज़पेपर अखबार में आ रहे हैं, ओलंपिक्स में जा रहे हैं, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं। एक यही सहजनवा में पूज्य महाराज जी ने एक ऐतिहासिक काम किया, अटल विद्यालय यहां पर खुला, अटल आवास विद्यालय, जो 18 पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत कम लोगों को जानकारी है क्योंकि महाराज जी बहुत कम बोलते हैं इन सारी चीजों को, लेकिन चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अपने पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री के हर चीजों को बारीकी से देखता हूं, क्योंकि मुझे मंच साझा करना होता है, मुझे मीडिया के सामने आना पड़ता है, मुझे पार्लियामेंट में बोलना होगा 4 तारीख से, तो यही सब बातें मैं रखता हूं वहां जाकर, जो मैं यहां पर पढ़ाई करता हूं, जो मैं देखता हूं महाराज जी के सानिध्य में, मैं सीखता हूं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, मैं कह रहा हूं ये आने वाला भविष्य उत्तर प्रदेश का, ईस्टर्न यूपी का, सहजनवा का, गोरखपुर का, गोरखपुर के जितने भी परिवारजन हैं जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए, आप लोगों को और मीडिया बंधु को एक मैं न्यूज देना चाहता हूं, यहां से पलायन होना बंद हो गया, लोगों ने माइग्रेशन बंद कर दिया, उत्तर प्रदेश छोड़ के कोई भी बच्चा अब किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाना चाहता, बिकॉज उसको रोजगार मिल रहा है, वो छोटा मजदूर हो, वो विश्वकर्मा के तहत आया हो, वो जहां भी हो, अब वो कोई अपने मां बाप को छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको सारा रोजगार, उसको हर चीज पूज्य महाराज जी की सरकार, यहां पर डबल इंजन सरकार उपलब्ध करा रही है। ये बड़ी सोचने जैसी बात है और आप लोगों को सोचना भी चाहिए। यह कभी नहीं हुआ 2017 के पहले, मैंने कहा था यही जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का प्लान था, और यही जमीन पर गीडा जैसे हजारों करोड़ की इंडस्ट्रियल एरिया लग गया। आज 800 करोड़ रुपए का निवेश और इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और आज कुछ लोगों को जमीन मिलेगी, भूखंड मिलेगा, अब वो लोग अब अलग बिजनेस लगाएंगे, और लोग यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं, और लोग भी महाराज जी से कनेक्शन में हैं, और लोग भी यहाँ की गीडा इंडस्ट्री हमारे प्रशासन को अपने फॉर्म्स भरे हैं, दे वांट आवर बिगेस्ट कंपनी, भारत की सारी बड़ी कंपनी गीडा में आज अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर रही है। ये गर्व की बात है हम गोरखपुर वासियों के लिए, इस पूर्वांचल के लिए, और पूज्य महाराज जी की सोच में आप सब हमेशा सम्मिलित होते हैं, आप लोग जो चेयर अप करते हैं, आप लोग जो पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं इस सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति, अपने नए भारत के प्रति, इस नए उत्तर प्रदेश के प्रति, इसको सजग, इसको जीवित रखिएगा। 22 जनवरी को राम राज्य का जो सपना मोदी जी देखे थे पूज्य महाराज जी, उसका काट खुलने वाला है। प्राथमिकता पर मजदूर आ किसान बा, खेत आ खलियान बा, उद्योग आ खाद्यान्न बा, तो खाद्यान्न बा, मजदूरन के काल के गाल से निकाल देवे वाले के नाम मोदी हा, और दंगा और गुंडई करे वाला के जमीन में मिटा देवे वाला, माटी में मिटा देवे वाला, गरीबन के भोजन देवे वाले के नाम
गोरखपुर जी योगी महाराज है तो भैया हो, धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सचेत रहें, सजग रहें, राम राज्य को निरंतर जपते रहें, इसको हाथ से जाने नहीं देना, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। कि बहुत बढ़िया मौका रहे और हम ना ही जागे। भारत माता की, ऐसे बोलब तो हो गई काम। बोलो भारत माता की, लगे के चाहे 10 लाख लोग बैठा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। औद्योगिक पार्क से लेकर के फ्लैटेड फैक्ट्री से लेकर के तमाम जो लिंक मार्ग के आसपास भी अभी जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर औद्योगिक स्थानों को स्थापना के लिए जो प्रयास चल रहा है, मैं इस अवसर पर सभी यहाँ के अधिकारियों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जो इच्छा है लोगों की, कि आज अभी जो हमारे एमएसएमई सेक्टर में जिस तरीके से आज लगातार डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हो रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं जो 5,33,00,000 देश में कुल इकाइयों में लगभग 14% की हिस्सेदारी हमारे उत्तर प्रदेश की है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, ये जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, उसी के चलते अभी फरवरी माह में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोजित हुआ लखनऊ में, जिसमें पूरे देश दुनिया और प्रदेश में जितना निवेश के लिए लोगों ने इच्छा जताई, आज तक कभी उत्तर प्रदेश की तरफ इतना भरोसा नहीं था। 40,00,000 करोड़ से भी अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले हैं, जिन्होंने ये इच्छा जताई है कि उत्तर प्रदेश में अपना औद्योगिक विकास करेंगे, लगाएंगे यहाँ उद्योग और लोगों को रोजगार देंगे। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 25 जो हमारी नीतियाँ थी, जो हमारे औद्योगिक तमाम संगठनों से राय लेकर के तमाम नीतियों को जो हमारी सरकार ने बनाया है, जिसके आकर्षित होकर के आज बहुत सारे उद्यमी उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हैं और अपना उद्योग लगाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, जिसमें 7,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव लगभग हमारे तैयार हैं। आज जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारी भूतल कनेक्टिविटी हो, जल मार्ग कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने अग्रणी प्रदेश बनता जा रहा है। आधारभूत स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश के साथ साथ आज रोजगार की भी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में प्रबल हो गई है। अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे एमएसएमई विभाग ने 21 से 25 सितंबर को प्रथम उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नोएडा में आयोजित किया, जिसमें पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के उद्यमियों ने भाग लिया और पूरे 21 से 25 तक लगभग देश और विदेश से 70,000 से अधिक क्रेता आए और लगभग 4,00,000 से अधिक लोगों ने उस मेले का अवलोकन किया। ये पहली बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन पर ये आयोजन हुआ और आज अभी लखनऊ में उद्यमी महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषित भी कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष अपना ये
पूरी मजबूती के साथ जो आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मेला का हुआ है, ये प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश ट्रेड शो का आयोजन करेगा। संपदाओं से सुशोभित पूर्वी उत्तर प्रदेश का केंद्र गोरखपुर बनकर उभरा है औद्योगिक विकास का हब। एक समय था जब असीमित संभावनाओं वाले इस क्षेत्र में व्यापारी, निवेशक और आम जन अव्यवस्था से थे परेशान। समय बदला, निराशा के बादल छटे और आशा की नई किरण ने देखते ही देखते कर दिया कायाकल्प। उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया। नई औद्योगिक नीति, निवेश अनुकूल माहौल और अवस्थापना सुविधाओं ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद। नए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रहा है नया गोरखपुर। विगत 6.5 वर्षों में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में गैलेंट समूह, वरुण बेवरेजेस, अंकुर उद्योग, इंडिया ऑटो व्हील्स, नाइन हाइजीन, ज्ञान मिल्क, कपिला पशु आहार, स्पिल्स लेमनेट्स, तत्व प्लास्टिक्स, एसडी इंटरनेशनल और केयान इंडस्ट्रीज जैसी देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने किया है 12,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश। इस निवेश से मिला है 35,000 युवाओं को रोजगार। प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री तथा ODOP योजना के तहत गारमेंट पार्क से नया गोरखपुर बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब। धुरियापार क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप का विकास, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे की स्थापना गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देगा नई पहचान। गोरखपुर औद्योगिक विकास का एक नया क्षेत्र गेड़ा से लेकर के धुरियापार तक हम सबको दिखाई देगा, जहां पे लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की मदद मिलेगी। औद्योगिक विकास की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 34वें स्थापना दिवस पर गीडा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, 800 करोड़ के पूंजी निवेश की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास से 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 500 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को औद्योगिक भूखंड का आवंटन पत्र वितरण, 200 एकड़ में कालेसर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ, स्किल डेवलपमेंट हेतु NIELIT एवं प्लास्टिक पार्क में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु गेल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU और ऑनलाइन सेवा पोर्टल एवं गोरखपुर ट्रेड शो का शुभारंभ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह विकास कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 trillion इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, उपस्थित बंधुगण, महानुभाव और गोरखपुर के सभी भाइयों बहनों, गीडा के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर गीडा से जुड़े हुए सभी यहाँ के अधिकारियों को, कार्मिकों को, उद्यमियों को
और यहाँ पे रोजगार के साथ जुड़े हुए यहाँ के सभी कारीगरों, हस्तशिल्पियों और यहाँ के अन्य सभी कामगारों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ। 34 वर्ष की एक यात्रा शानदार यात्रा होती है, एक ऐसी यात्रा होती है जब व्यक्ति अपने बचपन से उभर करके जीवन के उस मोड़ पर आता है जब वह समाज को कुछ देने की स्थिति में होता है। जैसे मनुष्य के जीवन के चार चरण होते हैं, पहला चरण जब वह मां बाप पर आश्रित रहता है, लेकिन उस दौरान उसका प्रशिक्षण भी होता है अगले चरण के लिए। दूसरे पर जब वह अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अपने परिवार की देखभाल करके उन्हें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है, तीसरे चरण में वह समाज के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ उसे कार्य करना चाहिए, और चतुर्थ चरण में पूरी तरीके से वह समाज पर निर्भर होकर के फिर अपने गति को आगे बढ़ाता है। और भाइयों बहनों, ऐसे ही संस्थाओं और संस्थानों के साथ भी जुड़ता है। गीड़ा आज कुछ देने की स्थिति में है, और भाइयों बहनों, देने के उसी क्रम के तहत हम 34वें स्थापना दिवस के इसका